शरारा ड्रॉ कर दिया है मैंने। यहाँ तक हम पैंट की कटिंग ही लेंगे, जो बेसिक वाली पैंट की कटिंग है। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन बता रही हूँ। यहाँ पे हम चार लेयर वाला करने वाले हैं, 1 2 3 4। इसकी हाइट आपको कितनी करनी है, आपके नी से ऊपर, नी से ऊपर तक आपको इसकी हाइट करनी है। यहाँ से यहाँ तक हमें रखना है, ये ऊपर वाला पार्ट नी से कम 5 to 6 इंच ऊपर होगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ऊपर वाला पार्ट 13 इंचेस। तो यहाँ से मैं लूँगी 13 इंच, ये वाला एरिया। फुल शरारा की लेंथ जो है हम रख रहे हैं 38 इंच, ठीक है। ऊपर वाली लेंथ हम रख रहे हैं 13 इंचेस। सो 38 माइनस 13 इंचेस कितना आएगा, उतना हमें नोट करना है। 38 माइनस 13 आएगा 25। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ जो टोटल रहेगी वो रहेगी 25, ठीक है। यानी ऊपर का रहेगा 13 और ये रहेगा 25। 25 प्लस 13, 38 इंचेस। सो अभी हमें 25 को 4 से डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड 25 बाय 4 बिकॉज यू वॉन्ट 4 लेयर। इफ यू वॉन्ट 3 लेयर देन डिवाइड बाय 3, इफ यू वॉन्ट 2 लेयर देन डिवाइड बाय 2। बट 4 लेयर का बहुत अच्छा दिखेगा तो हम 4 लेयर का ही करने वाले हैं। सो 25 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंच लगभग। क्लियर, 6 इंचेस आ जाएगा। तो 6 6 इंचेस के हमें सारे पट्टे काटने हैं, ठीक है। 6 6 6 6 टोटल 24, 24 प्लस 13 37 आ जाएगा। बट 1 इंच इतना हम मैनेज कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो 6 इंचेस की हमारी ये लेंथ रहेगी सारे पैनल्स की। क्लियर। तो अभी हमें किस तरह से ये काटना है वो हम देखेंगे। तो हमारा ये मान लो फैब्रिक है पूरा 4 मीटर जितना। सपोज दैट इट्स फैब्रिक 4 to 5 मीटर। तो अभी हमें उसके बाद नीचे वाले में हम 6 ले लेंगे, उससे भी डबल नहीं लेंगे। सो एक साइड में हमें कितने चाहिए, 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 टोटल हमें 13 पीस तो एक तरफ के लिए चाहिए, तो दूसरे तरफ के लिए भी हमें 13 पीस चाहिए होगा। यानी टोटल हमें अभी 13 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये सारे 13 पीस जो है वो आपके सिर्फ एक ही पैर में लग जाएंगे, ठीक है। एक ही पैर में यूज हो जाएगा। दिस 13 पीसेस विल यूज इन ओनली 1 लेग, टोटल 13। सो 13 × 7 करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो 13 × 7 कितना होता है, 91 होगा, 91 इंच होगा। तो 91 इंच फैब्रिक तो एक पैर में लग जाएगा, 91 इंच दूसरे पैर में लगेगा। सो टोटल 91 इंच में कितने फैब्रिक होता है, 100 इंच में 2.5 मीटर फैब्रिक होता है, 40 इंच में 1 मीटर, 40 इंच इक्वल 1 मीटर। सो 80 इंचेज इक्वल 2 मीटर। सो 90 इंचेज इक्वल 2.25, बट वी विल टेक 2.5 मीटर एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके 2.5 मीटर हमने ले लिया। तो एक पैर में 2.5 हमें चाहिए रहेगा, तो दोनों पैर में मिला के हमें 5 मीटर तो पैर में ही हमारा नीचे नीचे में चला जाएगा। तो ऊपर हमें लगभग 1 मीटर जितना फैब्रिक चाहिए होगा, यानी टोटल अभी 6 मीटर फैब्रिक हमें चाहिए ये शरारा बनाने के लिए। अगर लेकिन आपके पास 5 मीटर फैब्रिक पड़ा है, आपको उसी में एडजस्ट करना है। तो हमने जो ये लेयर की काउंटिंग की, 1 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6, तो उसको थोड़ा थोड़ा कम कर देना है। जैसे 1 इसमें यूज़ करेंगे, फिर 1.5 इसमें यूज़ करेंगे, फिर इसमें 3 यूज़ करेंगे एंड इसमें 4 यूज़ करेंगे। इस तरह से आप कर सकते हो। यू कैन टेक लेस पैनल्स।
इफ़ यू हैव लेस फैब्रिक, कम कपड़ा है तो कम पट्टे ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेशन बताई कि आपको कपड़े के हिसाब से किस तरह से निकालना है कि कितना फैब्रिक चाहिए आपको, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कितना फैब्रिक चाहिए ऐसे डिसाइड करना। यू हैव टू डिसाइड हाउ मच फैब्रिक लाइक दिस। सो आप पूछें ना कि 12 साल की लड़की का कितना चाहिए, 8 साल की लड़की का कितना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन बता दिए। नाउ यू कैन डू योर कैलकुलेशन योर ओन, आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सभी को कैलकुलेशन क्लियर हुई? अगर नहीं हुई तो दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है शरारा बनाना। कपड़ा तो हम 5-6 मीटर ले लेंगे, 1-2 मीटर एक्स्ट्रा होगा तो भी चल जाएगा। और जिसको कैलकुलेशन आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं।